अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग अपने फेसबुक अकाउंट को डिक्टिवेट कर सकते हैं। तो फेसबुक अकाउंट डिक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपनी फेसबुक एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। उसके बाद टॉप टू राइट पे यहाँ पर आपको 3 डॉट शो हो जाएगी, तो इस 3 डॉट पे आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको सबसे नीचे आना है और नीचे आने के बाद से नीचे आप देख सकते हैं सेटिंग एंड प्राइवेसी। तो इस सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पे आपको टाइप करना है यहाँ पर, और इस पर टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन शो हो जाएगा सेटिंग नाम का। तो इस सेटिंग पे टाइप करना है आपको दोबारा से। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे आ जाइए यहाँ पर, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेस एंड कंट्रोल। तो इस एक्सेस एंड कंट्रोल पे आपको टाइप करना है। उसके बाद एक ही ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो जाएगा डिक्टिवेशन एंड डिलीटेशन। तो इस पर आपको क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर सेलेक्ट करना है डिक्टिवेट वाला। उसके बाद सबसे नीचे कंटिन्यू टू अकाउंट डिक्टिवेशन, इस पर टाइप करना है यहाँ से। उसके बाद ये आपसे पूछ रहे कि क्यों आप इस अकाउंट को डिक्टिवेट करना चाहते हो, तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे नीचे आ जाइए और यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर टाइप कर दीजिए। उसके बाद दोबारा से नीचे आ जाइए और यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है। अगर आप चाहते हो कि एक दिन बाद ये रिएक्टिवेट हो जाए दोबारा से, या 2 दिन बाद, या 3 दिन बाद, या 7 दिन बाद, 6 दिन बाद, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। अगर आप 7 डे सेलेक्ट कर लेते हो तो 7 दिन बाद ऑटोमेटिकली आपका फेसबुक अकाउंट वापस से रिएक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर रहने देता हूँ डू नॉट रिएक्टिवेट ऑटोमेटिकली, इस पर टाइप कर लीजिए, और उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर टाइप कर लीजिए। उसके बाद नीचे आ जाइए थोड़ा सा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिक्टिवेट माई अकाउंट, इस पर टाइप कर लीजिए। आप दोस्तों आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो डिक्टिवेट हो चुका है। तो इसी तरह से आप लोग अपने फेसबुक अकाउंट को डिक्टिवेट कर सकते हो। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।